यूरोप के देश जॉर्जिया की राजधानी टिब्लिस में कोरोना की वजह से लगी पाबंदियों के खिलाफ हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। महामारी को फैलने से रोकने के लिए जॉर्जिया में लॉकडाउन लागू है और ये कब तक जारी रहेगा इस पर सरकार मौन है। यही वजह रही कि कोरोना नियमों को तोड़ते हुए हजारों की तादाद में लोग वहां की पार्लियामेंट की तरफ कूच कर गए, लेकिन कुछ देर बाद ही प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई, क्योंकि पुलिस ने उन पर लॉकडाउन तोड़ने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन को खत्म करने की कोशिश की, जो उन सभी को नागवार गुजरा तो वो लोग पुलिस वालों से ही भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। पार्लियामेंट पहुंचने से पहले इन प्रदर्शनकारियों ने गाजे बाजे के साथ शहर के कई इलाकों में रैलियां भी निकाली। इस रैली में कारोबारियों के अलावा सरकार विरोधी पार्टियों के लोग भी शामिल हुए। लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि ना तो सरकार उन्हें अपना काम धंधा चलाने दे रही है और ना ही उनकी आर्थिक मदद कर रही है, और इसी वजह से वो लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए। भारतीय वायुसेना ने चमोली में ग्लेशियर फटने से हुई तबाही